इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के पीछे ऑर्गेनाइजर की कड़ी मेहनत छुपी होती है। प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2.0 को भी सक्सेसफुल बनाने में इवेंट के ऑर्गेनाइजर मिस्टर अमित पुरोहित ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिनकी मदद से 285 प्लस प्रोफेशनल्स, 10 ब्रेकआउट सेशंस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड मोर देन 14 कंट्रीज ने इस इवेंट में हिस्सा लिया और इसकी शान बढ़ाई। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इस कॉन्फ्रेंस में, जहां आपको प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, मैं श्रुति चौधरी स्वागत करती हूं आपका आईआईटी के इस प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी पर। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम में हो रहे प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2.0 में, जहां हम बात करेंगे प्लास्टिक कंजम्पशन इन स्टील मेकिंग के प्रैक्टिसेस पर। यहां हम जानेंगे प्लास्टिक वेस्ट और कई अदर वेस्ट को किस तरह से रिसाइकिल किया जा सकता है, उन्हें टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से रिसाइकिल करके हमारी डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स में भी तब्दील किया जा सकता है। अब हम चलते हैं इस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं कुछ दिग्गज एक्सपर्ट से कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। एंड वी ब्रिंग इट बैक द रिसाइकल मटेरियल बैक टू आवर पेरेंट कंपनी एंड वी रिसाइकल इट एंड इट्स अ क्लोज लूप यू नो विद इन आवर बिजनेस। इस समय हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस के वन ऑफ द पैनलिस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है मिस्टर उल्हास पारिलकर जी। हेलो सर, नमस्ते। हाय सर, प्लीज आई मीन एक ओवरव्यू दीजिए इस कॉन्फ्रेंस का, किस तरह से ये हम इन सारे के सारे जो बिजनेसमैन हैं या फिर जितने भी लोग हैं, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है वेस्ट रिसाइकलिंग में। एक्चुअली क्या है कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के रोज में, और इसका जितना रिसाइकल होने के लिए हम इफेक्टिव सॉल्यूशंस लाएंगे उतना बेटर होने वाला है। We have our another panelist over here, Mr. Tushar Ranjan Patnaik. अभी हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके views इस conference पर। Hello sir. Hello. Sir, what are your views over this conference? और किस तरह से waste को recycle करना चाहिए? Plastic waste को recycle करना कितना ज़रूरी है इस समय पर? आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में बोल सकता हूँ, दिस इज़ ए बेसिकली रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज आर हियर and the lot of peoples from different companies are here. The present requirement of this government is that plastic recycling is one of the important aspects, and for that if you have to reduce this plastics and reduce the carbon footprint, that's why the plastic recycling is very much important as the present scenario. If I talk about battery waste management, it is specifically for lead acid batteries, and we will be coming up with lithium ion batteries recycling as well. We cater to different corporates pan India, which includes BFSI sector, then obviously consulting, automobiles. So yes, we provide support from waste management perspective pan India to different corporates. Right now we have Mr. Sharang Ambedkar with us. Mr. Sharang हमारे इस conference के awardee भी हैं। अब हम उनसे जानते हैं कि उनका plastic waste recycling में क्या contribution है और उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। Hello sir. Hi. सर, आप मुझे प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा introduction दीजिए और आप बताइए किस तरह से आप waste recycling में contribution कर रहे हैं। So I am recycling मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक वेस्ट, जो चॉकलेट रैपर्स और बिस्किट रैपर्स वाला जो वेस्ट रहता है, जो कभी रिसाइकल नहीं हो पाता था, वो वेस्ट हम रिसाइकल करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट ये है जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है एज प्रोडक्ट ऑफ द ईयर इस इवेंट में। तो हम लोग ये मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स, जो चॉकलेट रैपर्स और बिस्किट रैपर्स को हम लोग रिजिड प्रोडक्ट्स जो सिविल इंडस्ट्री में एज अ फ्लोरिंग यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग ने हमको ये अवार्ड मिला है। और हमारा ये मेन मोटिव है कि ये जो वेस्ट अभी तक लैंडफिल्स में या तो जलाया जा रहा था या तो सिर्फ पड़ा रहता था, उसको वैल्यू देने के लिए हम काम कर रहे हैं, और इस वजह से इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना हो, इन्वायरमेंट से ये वेस्ट चला जाए और इससे कुछ वैल्यू एडिशन हो पाए, इसके लिए हम लोग काम करते हैं मैम।
So the need of this is absolutely this hour. And I think more and more youth is becoming more sustainable and they want sustainable products. So all these brands are taking the initiative. The point is that how do we do that? Right? That's where my company comes in. That's what we are trying to achieve. So that ultimately, if we are trying to recycle something, it should not become a downcycle thing. It should become an upcycle thing and the brand should use it. That's when it will truly become a circular economy. आशा करते हैं आपको इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने के कई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चला होगा और साथ ही साथ कई इनोवेशन से भी आप रूबरू हुए होंगे। अगर आपको इसी तरह से पर्यावरण में कंट्रीब्यूट करना है और चाहते हैं कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से अपडेटेड रहें, तो आप हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को आज ही सब्सक्राइब करिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।